ऐसे लेके एक डॉट लगा लीजिए और इसमें से आप 15 17 जो भी आप जितना चाहे आप चैन बना सकती हैं। मैं 15 चैन बनाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये हमने 15 चैन ले ली है और इन 15 चैन पर हम 15 फंदे बनाएंगे। देखिए ऐसे चार और ये हो गए 5। अब आप 2 चैन लीजिए। 1 2 दो चैन लेने के बाद ये 2 फंदे सॉरी 1 2 इसमें आप 1 2 छोड़ के तीसरे में आपको लेने हैं 5 5 फंदे बनाने हैं। इसी में देखिए आप इसी में एक ही जगह बनाने हैं 5 फंदे एक ही होल में। 1 2 हो गए 3 4 5 ऐसे 5। फिर आप फिर 2 चैन लीजिए। 1 2 और फिर 2 ये फंदे छोड़ने। फिर इसके बाद ये 5 फंदे रह जाते हैं। 5 पर 5 फंदे फिर बनाइए। 1 2 3 4 देखिए आप अब टर्न करके दोबारा इसी तरह बनाना है। सबसे आसान पूर्ण पट्टी है ये। आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं इसको। अब देखिए कितनी भी चौड़ी या आप अपने गेट के हिसाब से बना सकते हैं। 5 पर 5 फंदे अभी बनाने हैं ये ऐसे ही जैसे पहले बनाए थे। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। फिर आप 2 चैन 1 2 फिर इसी में ये 5 फंदे बनाए हैं ना एक होल में तो इसमें आप 1 2 और 2 इधर छोड़ देना और बीच वाले पे यहाँ ऐसे ऊपर वाली साइड 5 बनाना। फिर चैन 2 करके और फिर ये 5 फंदे पर 5 फंदे बनाना। इसी प्रकार से आप जितनी चाहे उतनी लंबी ये तोड़ पट्टी बना सकते हैं और ये सबसे सुंदर लगेगी। बहुत ही आसान है।
बहुत कम टाइम में बनती है ये। देखिए पांच, ये देखिए आप ऐसे बनेगी। जितनी चाहे उतनी आप ऐसे, जितने चाहे फंदे ज्यादा ले सकते हैं और चैन ज्यादा लेके उतनी चौड़ी बना सकते हैं, और जितनी चाहे उतनी लंबी बना सकते हैं आप अपने खुद के गेट के हिसाब से। झालर पट्टी, तोरण पट्टी, जैसे भी चाहिए आप। यहाँ आप मोती लगा सकते हैं और उसका और भी डिजाइन बना सकते हैं इसमें। यहाँ आगे के आगे बहुत ही बढ़िया डिजाइन है ये, बहुत ही आसान।